गाइस, मैं ये लेके आया हूँ गर्मियों में लगाने वाले कुछ सब्जियों के बीज। इनको मैं इन कटोरियों में 24 घंटे के लिए अलग अलग कटोरी में इन सीड्स को डिप करूँगा। 24 घंटे के बाद जब ये बीज थोड़े से डिप हो जाएंगे तो इनको मैं क्योंकि पानी में सोख करके रखेंगे तो जो बीज पानी में डूब जाएंगे कटोरी में, ये थोड़ा टेस्ट भी होता है 24 घंटे के बाद, उसको फिर हम सीडलिंग ट्रे में शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हैं हमारे ये करेले के बीज हैं, तो इसको मैं इस कटोरी में डाल देता हूँ कुछ बीजों को। मैंने इस कटोरी में करेले के बीज डाल दिए हैं और साथ में ही मैं ये पैक इसके नीचे एडजस्ट कर दूँगा। और दूसरे बीज हैं हमारे ये घिया के बीज हैं, तो घिया के बीज भी मैं एक कटोरी में निकाल देता हूँ। तो मैंने इसमें कुछ चार एक बीज लगाए हैं, तो चार पांच बीज काफ़ी होते हैं। डिप करने के बाद ही पता लगेगा इनमें से कोई यूज़फुल है या नहीं है। तो इसका पैक भी मैं इसके नीचे ऐसे ही एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ी निशानी भी बनी रहेगी। वैसे तो सीड्स देखने में अलग अलग ही हैं। और ये है हमारे हरे टिंडे के सीड्स हैं, तो इनको भी मैं कुछ क्वांटिटी में इसमें डाल देता हूँ। तो ये हमारे तीन तरह के सीड्स हो गए, एक करेले के, घिया के लंबी हरी जो घिया होती है, और साथ में टिंडे के सीड्स हो गए। थर्ड जो सीड्स हैं वो हमारे हैं हरे कद्दू के, लंबे कद्दू के, जुकीनी भी बोलते हैं इसको। तो इसके सीड्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, चार सीड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा तोरी के सीड्स हैं, तो तोरी के सीड्स भी मैं चार पांच के करीब इसमें लगा दूंगा। और नेक्स्ट है हमारे भिंडी के सीड्स हैं। भिंडी के सीड्स को वैसे डिप करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही लग जाते हैं, फिर भी मैं कुछ एक सीड्स को डिप कर दूंगा। तो ये हमारे छह तरह के जो सीड्स हैं वो मैंने रेडी किए, मैं लेके आया हूँ। तो छह कटोरियों में मैंने डाल दिया। 24 घंटे के लिए हम इनको पानी में सोक करके रखेंगे। तो ये सारे सीड्स ही समर वेजिटेबल्स के हैं, और इनमें जैसे मैंने कहा भिंडी के सीड्स को ज़रूरी नहीं होता कि आप पानी में डिप करके रख के डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन बाकी सभी बीजों को, आपको सभी सीड्स को, चाहे वो करेले के हों, घिया के हों, तोरी के हों, टिंडे के हों, इनको पानी में 24 घंटे के लिए डिप करना चाहिए। तो फ़ायदे रहते हैं, एक तो बाद में इनके जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, सीडलिंग्स हैं, वो जल्दी रेडी होते हैं, और साथ में बीज का टेस्ट भी हो जाता है। कई बार आप बीज डालते हो गमले में लेकिन कोई स्प्राउटिंग नहीं होती है, कोई पौधा नहीं निकलता, तो रीज़न ये होता है कि बीज ख़राब हो चुका होता है। तो डिप करने से ही होता है, एटलीस्ट फर्स्ट टेस्ट तो हो ही जाता है कि डिप करने के बाद 24 घंटे के बाद, 24 आवर्स के बाद अगर ये बीज डूबा रहा तो इसका मतलब बीज सही है, अगर वो ऊपर तैरता रहा तो बीज ठीक नहीं है। गाइज, ये है कोकोपीट का ब्लॉक, 5 kg का है ये। ये मैं मार्केट से लाया था, और इसको कोकोपीट को हम लोग यूज़ करते हैं गार्डन सॉइल के साथ गमलों में भरने के लिए, और इसका मिक्सचर और थोड़ी गार्डन सॉइल को यूज़ करके हम लोग सीडलिंग जो ट्रेज़ हैं उस पर भी भरेंगे। तो इस ब्लॉक के ऊपर हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा ताकि ये लूज़ हो जाए।
बस थोड़ी देर पानी डाल के रखेंगे तो इसका काफ़ी पार्ट है जो वो लूज़ हो जाएगा, और इसको हम गार्डन सॉइल में मिक्स करके सीडलिंग ट्रेस को फिल करेंगे नई सीड्स को रेडी करने के लिए, सीड्स से छोटे छोटे प्लांट्स को रेडी करने के लिए। तो गाइज मैंने इसमें एक सीडलिंग ट्रे के लिए कुछ मिक्सचर तैयार कर लिया है, थोड़ी सी गार्डन सॉइल लिया है, और ज़्यादा पार्ट मैंने इसमें कोकोपीट का लिया है जो मैं कल लेके आया था, तो उसको मिक्स कर लिया ताकि एक सॉफ्ट सा मिक्सचर तैयार हो गया है। साथ में इसमें मैं थोड़ा सा ये नीम खली की मैं लेके आया था खाद, नीम के जो बीज होते हैं उससे बनी होती है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी में ये भी ऐड करेंगे ताकि जो हम सीड्स डालेंगे सीडलिंग ट्रे में तो उनको वो बैक्टीरिया फ्री रहें, यानी कि उसमें कोई बीमारी या कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें ज़्यादा रेशो मैंने कोकोपीट का ही रखा है, गार्डन सॉइल बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, और इस सीडलिंग ट्रे में हम लोग इसको फिल कर देंगे। तो हमने दो सीडलिंग ट्रेस को रेडी कर लिया, बेसिकली एक बहुत बड़ी ट्रे थी जिसको उठाना मुश्किल होता है, तो मैंने तीन पार्ट में इसको कट कर लिया था। तो ये दो पार्ट हैं, इसमें मैंने कोकोपीट का जो मिक्सचर है नीम खली के साथ गार्डन सॉइल के साथ इसमें फिल कर दिया है। अब जो ये सीड्स मैंने 2-3 डेज से सोक करके अखबार में बंद करके रखे थे, इनको मैं इसमें लगा दूँगा। तो क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा स्पेस क्रिएट करना है इसमें इस तरह से, और हर एक स्पेस के बीच में आपको एक सीड डालना है। सीड डालते वक्त जो चोंच वाला हिस्सा होता है जो थोड़ा सा शार्प है उसको नीचे की तरफ रखना होता है। तो ये घिये के सीड्स हैं, और साथ में ही कुछ है टिंडे के सीड्स हैं, तो इन सीडलिंग ट्रेस में मैं इन सबको एडजस्ट कर दूंगा। फिर आपको 1 वीक बाद की ग्रोथ भी हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कितना जर्मिनेशन हुआ है। तो हमने दो सीडलिंग ट्रेस को रेडी कर लिया, बेसिकली एक बहुत बड़ी ट्रे थी जिसको उठाना मुश्किल होता है, तो मैंने तीन पार्ट में इसको कट कर लिया था। तो ये दो पार्ट हैं, इसमें मैंने कोकोपीट का जो मिक्सचर है नीम खली के साथ गार्डन सॉइल के साथ इसमें फिल कर दिया है। अब जो ये सीड्स मैंने 2-3 डेज से सोक करके अखबार में बंद करके रखे थे, इनको मैं इसमें लगा दूंगा। तो क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा स्पेस क्रिएट करना है इसमें इस तरह से, और हर एक स्पेस के बीच में आपको एक सीड डालना है। सीड डालते वक्त जो चोंच वाला हिस्सा होता है जो थोड़ा सा शार्प है उसको नीचे की तरफ रखना होता है। तो ये घिये के सीड्स हैं,
और साथ में ही कुछ हैं टिंडे के सीड्स हैं, तो इन सीडलिंग ट्रेस में मैं इन सबको एडजस्ट कर दूंगा। फिर आपको 1 वीक बाद की ग्रोथ भी हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कितना जर्मिनेशन हुआ है। प्लांट्स रेडी हो जाए, इनको बड़े गमलों में हम लोग शिफ्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लिंक को शेयर करें और अपने यूज़फुल आइडियाज़ इसकी फीडबैक में ज़रूर दें, और अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।